Once again, Happy Prince told him, Swallow, please stay one night more with me. And then Swallow stayed with him. And the next day, Happy Prince was telling, I am looking a poor young girl, a poor young girl. That was a match girl who was selling some matchsticks. And she was not having, in this cold winter, she was not having any coverings on her body. She was not having any socks or shoes. Her head were empty. And it was a misfortune for her. उसने अपने मैस्टिंग किसी भी तरीके से गिर गए सब पानी में, उसके सारे लकड़ी वगैरह बर्बाद हो गए. एंड सी इज़ क्राइंग, क्योंकि उनके पापा अगर पैसा लेके नहीं जाते बहुत मारेंगे. सी इज़ क्राइंग बिटरली, स्वालो लिटिल स्वालो, आई कॉन्ट टॉलरेट हर सैडनेस. हमारा जो बाकी एक सैफायर है जाके उसे दे दो ना. स्वालो वॉज नॉट एग्रीड, नो नो नो, इफ़ आई गिव इट द सेकेंड सैफायर यू विल बी कम्प्लीटली ब्लाइंड. हाउ कैन आई डू दैट, मैं कैसे ये नहीं कर सकता हूँ. बट ऑन हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्ट स्वालो एग्रीड. एंड अनदर सैफायर भी हो जाके उस मैस गर्ल के हाथ में दे दिए. उस यंग गर्ल खुश होके वो घर चली गई. देन द स्वालो इज टेलिंग हैप्पी प्रिंस, आई कुड नॉट, आई एम वेरी मच हैप्पी टूडे. हैप्पी प्रिंस इज टेलिंग, येस स्वालो नाउ यू कैन गो, आई एम ब्लाइंड, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो, यू विल बी, आई एम हैप्पी दैट टूडे यू आर गोइंग टू इजिप्ट, तुम अब खुश रहो. देन स्वालो इज टेलिंग, नो हैप्पी प्रिंस, आई कान गो, यू आर कंप्लीटली ब्लाइंड, मैं चले जाऊंगा तो तुम कैसे सब कुछ देखोगे, नहीं ये नहीं कर सकता हूं मैं. सो स्वालो स्टेड विद हिम एंड देन ही वाज टेलिंग दैट आई विल बी रोमिंग टू योर कंट्री एंड आई विल बी टेलिंग यू व्हाट आर देयर, क्या चल रहा है तुम्हारे कंट्री में. देन स्वालो पूरा दिन भर उसके कंट्री के चारों ओर उड़ता रहता, आके हैप्पी प्रिंस के कंधे में बैठ के बताते रहते, हैप्पी प्रिंस टुडे आई हैव नोटिस दैट बिग कैसल, बहुत बड़े बड़े प्रसाद है, लेकिन कैसल्स के बाहर सो मेनी बिगर्स हु आर सिटिंग आउटसाइड, कुछ खाना उनको मिलेगा. सम पुअर यंग हंगरी, सम पुअर हंगरी चिल्ड्रेन, सम पुअर हंगरी चिल्ड्रेन हु आर स्टार्विंग फॉर सो मेनी डेज, हु आर स्टार्विंग फॉर सो मेनी डेज. इस ठंडी में उनके पास कपड़े नहीं है, घर नहीं है. एंड इन द बिलो अ ब्रिज टू बॉयज़, देयर वेयर नॉट एनी ड्रेस फॉर देम, दे वेयर गैदर टुगेदर, एक दूसरे को पकड़ के लेट के सुबह ताकि थोड़ा सा गर्माहट मिले. एंड वन वॉचमैन एंग्रीली केम टुवर्ड्स देम, भागो यहाँ से, बारिश हो रहा है, उस बारिश में भीगते हुए बच्चे रो रहे हैं, वो लोग सोच रहे हैं कितने दिन से हम लोग खाना नहीं खाए. देन हैप्पी प्रिंस वंस अगेन बिकेम सैड एंड टोल्ड स्वालो, प्लीज़ मेरे शरीर में जितना गोल्ड प्लेट है उसको तुम टुकड़े टुकड़े करके लेके सारे गरीबों में बांट दो. हैप्पी प्रिंस ही वॉज सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग, ही वॉज टेलिंग नो, वॉट इज़ द हैप्पीनेस, मेरे पास ये गोल्ड ज्वेलरीज ये सब के क्या फ़ायदा अगर मेरे कंट्री के लोग खुश नहीं है. स्वालो इज टेलिंग हैप्पी प्रिंस, इन दिस वे यू विल बी लुकिंग वेरी पेल विदर्ड, तुम तो भिखारी की तरह लगोगे, बेगर की तरह, नथिंग. देन ही रिक्वेस्टेड एंड स्वालो ऑल्सो बीट बाई बीट ऑल द गोल्डन पीसेस लेके सारे गरीबों को बांट दिए. एंड हैप्पी प्रिंस इज लुकिंग नाउ वेरी मच अगली डाटी. स्वालो बिकेम ऑल्सो सैड, स्वालो इज टेलिंग हैप्पी प्रिंस नाउ गुड बाय. सो हैप्पी प्रिंस वॉज टेलिंग येस स्वालो आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ यू विल गो टू द इजिप्ट. स्वालो इज टेलिंग नो हैप्पी प्रिंस आई एम नॉट गोइंग टू इजिप्ट, इट्स टू कोल्ड, आई एम आउट ऑफ एनर्जी, मैं अभी उड़ नहीं पा रहा हूँ. किसी भी तरीके से उड़ते हुए उसके कंधे में, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के कंधे में आके बैठे. एंड ही टोल्ड गुड बाय हैप्पी प्रिंस, आई एम नाउ गोइंग टू हेवन, डीप रेस्ट, स्लीप के भाई स्लीप, डीप रेस्ट में जा रहा हूँ मैं अभी, एकदम के लिए जा रहा हूँ सब कुछ छोड़ के, इस दुनिया छोड़ के. एंड देन द लिटिल स्वालो डाइड, और वहाँ से गिर के हैप्पी प्रिंस के स्टैचू के नीचे गिर गए. एंड दैट टाइम अ बिग क्रैकिंग साउंड हियर्ड, क्या क्रैकिंग साउंड, हैप्पी प्रिंस जिसके दिल इतना महान था, स्वालो के डेथ के बाद उसके दिल टुकड़े टुकड़े, दो टुकड़े क्रैकिंग में, और इतने ज़्यादा आवाज़ हुआ पूरा शहर में. इन द मॉर्निंग टाइम द मेयर ऑफ द टाउन, ही वॉज विजिटिंग विथ हिज काउंसिलर्स के साथ मेयर्स विजिट कर रहे थे. व्हेन मेयर नोटिस द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस विदाउट एनी ज्वेलरीज, विदाउट एनी गोल्ड, विदाउट एनी रूबी, विदाउट एनी सफायर्स, ही वॉज सरप्राइज, ही वॉज टेलिंग येस काउंसिलर्स लुक हाउ अगली द हैप्पी प्रिंस स्टैचू इज लुकिंग.
एंड ऑल द काउंसिलर दे आर द पपेट ऑफ द मेयर, मेयर के पपेट थे। मेयर अगर बोले यस तो यस, मेयर अगर बोले चलो सुबह हम लोग लैटिन में नहीं जाएंगे जंगल में जाएंगे, सब बोले हाँ चलेंगे, सो चलो आज हम लोग उल्टा लटके रहेंगे, हाँ रहेंगे, चलो आज लोग हम लोग बिना कपड़े में घूमेंगे, सब घूमेंगे। सो दे आर जस्ट लाइक द पपेट्स ऑफ मेयर, यस यस ये लुकिंग अगली, नो नो, इस प्लेस में ऐसे गंदा चीज़ नहीं होना चाहिए, स्टैचू को तोड़ो, तोड़ के हटाओ, बिगला दो और उसके जगह में मेरे एक फ़ोटो बनना चाहिए, मेरे स्टैचू बनना चाहिए। ऑल बोले हाँ बहुत अगली बहुत अगली। एंड व्हेन दे नोटिस अ लिटिल बर्ड वाज स्वालो वाज डाइंग एंड फॉलिंग ऑन हैप्पी प्रिंस लेग्स, बोले आज ऑर्डर दे दो। मेयर बोले कि इस मेरे इस शहर में किसी जगह में किसी बर्ड का मौत मरना अलाउ नहीं है, मरना है तो दूसरे जगह में जाके मरो, यहाँ पे ना मरो। एंड वहाँ का जो बाकी काउंसिलर था पपेट की तरह, हाँ हाँ सर आपने सही बोले सही बोले। उसके बाद हैप्पी प्रिंस के उस स्टैचू को वहाँ से हटा के उसको लेके चला गया गया और फार्नेस में उसको डाल दिया गया बिगलाने के लिए। एंड सरप्राइजिंग थिंग इज दैट पूरा बॉडी बिगल गया स्टैचू, लेकिन उसका जो हार्ट हैप्पी प्रिंस का क्रैकिंग हार्ट, वो किसी भी तरीके से इतने टेम्परेचर में भी मेल्ट नहीं हुआ। एंड ऑल वेयर सरप्राइज देन वो लोग क्या किए, जितने भी काम करने वाले वहाँ पे थे, दे थ्रो द हार्ट नियर द गार्बेज जहाँ पे स्वालो को भी फेंका गया था। तो उस क्रैकिंग हार्ट और स्वालो पड़ा हुआ था उस डस्टबिन में। एंड नाउ द मॉरल, नाउ फ्रॉम द हेवन द गॉड वॉज ऑल्सो सैड बाय द ह्यूमन बींग्स एक्टिविटीज। गॉड टोल्ड टू वन ऑफ हिज एंजल दैट इस शहर इतना ब्यूटीफुल शहर है, लेकिन द मोस्ट प्रीसियस मोस्ट वैल्यूएबल दो चीज़ हमें उस शहर से ला के दो एंजल, जो मैं अपने पास रखूँगा। द एंजल ब्रॉट द टू मोस्ट प्रीसियस थिंग्स, वन इज द डेड बॉडी ऑफ स्वालो एंड अदर इज द हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। द स्वालो हु सैक्रीफाइस्ड हिज लाइफ टू हेल्प हैप्पी प्रिंस, टू हेल्प द पुअर पीपल, जो लोगों को हेल्प करने के लिए अपना जान सेक्रीफाइस कर दिए। एंड हैप्पी प्रिंस हु सेक्रीफाइस ऑल हिज प्रीसियस मेरे, उनके लिए ये सारे ज्वेलरीज वेल्थ ये सब कोई मतलब का नहीं है। लोगों को अगर हेल्प नहीं कर पाए तो क्या हेल्प होता है। सो दुनिया में गॉड को लगा सबसे ब्यूटीफुल थिंग्स दुनिया में क्या है, द हैप्पी प्रिंस हार्ट, जिस जो दिल हमेशा लोगों के लिए सोचता था। एंड द मोस्ट अनदर प्रीसियस थिंग्स इज द स्वालो हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ, लेके आओ। अरे एंजल ने वही दो चीज़ लेके आया, गॉड बिकेम हैप्पी, यस यू हैव ब्रॉट द राइट थिंग्स फॉर मी, द हार्ट एंड द स्वालो इज द मोस्ट प्रीसियस थिंग्स इन द वर्ल्ड, आई विल कीप दिस हार्ट इन माई प्रीसियस ज्वेलरी, जो मेरा गैदरिंग्स है जहाँ पे मैं स्टोर करके रखता हूँ उसमें ये हार्ट सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ में रखूँगा, सबसे प्रीसियस। एंड मेरे हेवन हेवन के गार्डन में ये स्वालो हमेशा गाना गाते सिंगिंग करते रहेगी। सो दिस इज द एंडिंग ऑफ द चैप्टर वेयर इट इज़ क्लियर दैट द रियल हैप्पीनेस is to sacrifice. When you sacrifice something for others, that happiness is universal and God also can watch that. So taking something forcefully from someone, किसी से ज़बरदस्ती कोई छीनने से अच्छा है कोई चीज़ दे देने से जो खुशियाँ मिलता है। और यही चीज़ हमारे इंसान के अंदर होना चाहिए, जो हैप्पी प्रिंस के एक स्टैचू और एक स्वालो बार्ड के थ्रू से इन्होंने इतने अच्छे तरीके से बताया है। सो दिस इज द चैप्टर एंडिंग and you can understand the chapter is not about any kind of statue or stories, it is about happy prince sacrifice and swallow sacrifice, it is the most precious things in the world and God also understood what is important for human beings, what is not. So whenever we are doing something for someone life student, that is the best thing for our lives. So students, this is all about the chapter. You have to read the chapter, and if you like, must subscribe my channel. Okay, thank you and have a nice day.